कहानी की शुरुआत में कुछ बच्चे एक रॉड की मदद से रेत पर रेंगते हुए माइंस ढूंढ रहे थे। फिर एक लड़के ने माइन का ढक्कन खोला और उसका फ्यूज निकाल कर माइन को डिफ्यूज कर दिया। लेकिन तभी एक दूसरे लड़के ने माइन खोली और अचानक जबरदस्त धमाका हो गया जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल ये बच्चे जर्मन कैदी थे जिनको युद्ध में पकड़ा गया था। अब लड़ाई तो खत्म हो गई थी लेकिन अब भी जर्मन्स की बिछाई हुई लाखों माइंस डेनमार्क में मौजूद थी जिनसे आम लोगों को काफी खतरा था। अब सरकार ने माइंस निकालने का जिम्मा इन्हीं कैदी बच्चों पर डाल दिया। जल्द ही डेनमार्क के फौजियों ने बच्चों की ट्रेनिंग शुरू कर दी जिसमें उन्हें माइंस ढूंढ कर उन्हें बंद करने का तरीका सिखाया गया। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए एक एक लड़के को माइन वाले कमरे में भेजा गया। सबसे पहले लड़के ने अंदर जाकर बड़े ध्यान से माइन का ढक्कन खोला और फ्यूज निकाल कर माइन बंद कर दी। लेकिन जब दूसरा लड़का अंदर गया तो डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे, पर फिर भी वो माइन बंद करने में कामयाब रहा और आखिरकार सबने चैन की सांस ली। लेकिन इसके बाद जो लड़का गया वो माइन को बंद करने में नाकामयाब रहा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे बच्चों के मन में डर बैठ गया क्योंकि कभी भी कोई भी माइन उनकी जान ले सकती है। खैर, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 11 लड़कों को डेनमार्क के पश्चिमी तट पर लाया गया जहाँ पर सार्जेंट कार्ल उनका बॉस होगा। कार्ल के मन में नाजियों के लिए बहुत नफरत भरी हुई थी। उसने देखा कि ये बच्चे महज 13-14 साल के थे, पर कार्ल जैसा आदमी जो नाजियों से बेहद नफरत करता था उसके लिए ये बच्चे सिर्फ माइंस ढूंढने के औजार थे। फिर कार्ल ने बीच की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ 45,000 माइंस दफन हैं। उसने हुक्म दिया कि हर किसी को एक घंटे में 6 माइंस ढूंढकर उन्हें बंद करना होगा ताकि 3 महीने बाद वो अपने घर लौट सकें। इसके बाद सभी बच्चे काम पर जुट गए और रेंगते हुए रॉड से धीरे धीरे माइंस का पता लगाने लगे। अचानक अर्नेस्ट नाम के एक लड़के को एक माइन मिली और उसने अपनी ट्रेनिंग की मदद से माइन को डिफ्यूज कर दिया। इसी तरह उनका पहला दिन काफी अच्छा रहा क्योंकि किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। शाम को उन्होंने कपड़े के बैग्स में घास भरकर गद्दे बनाए ताकि वो रात को सो सकें। फिर रात को सबने मिलकर बातें की और बताया कि वो घर लौटने के बाद क्या क्या करेंगे, लेकिन उनमें से एक लड़के को बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो कभी घर वापस जा पाएंगे, पर बाकी सभी बच्चों के मन में अभी भी आस थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उन बच्चों को खाना भी ढंग का नहीं दिया जाता था। तभी अर्नेस्ट ने एक छोटी बच्ची को खेलते देखा तो वो उससे बातें करने लगा। तभी अचानक उस बच्ची की माँ वहाँ आ गई और उसने तुरंत अपनी बेटी को घर वापस आने को कहा। इस दौरान अर्नेस्ट ने चुपके से लड़की के खिलौने से ब्रेड का टुकड़ा चुरा लिया और बाद में अपने भाई के साथ बांट कर खाया। फिर रात होने पर कार्ल ने सभी लड़कों को एक लकड़ी के घर में कैद कर दिया और दरवाजे को लकड़ी के फट्टों से बंद कर दिया गया ताकि बच्चे चाहकर भी भाग ना सकें। खैर, अगले दिन लड़के फिर से काम पर गए, पर आज वो कल से धीरे ही चल रहे थे क्योंकि उन्हें खाने के लिए एक दाना तक नहीं मिला था। फिर शाम को शुमन नाम का एक लड़का कार्ल के पास पहुंचा और उससे पूछा कि उन्हें खाना कब तक मिलेगा। तब कार्ल ने कहा कि किसी भी जर्मन इंसान को पहले खाना नहीं मिलेगा। कार्ल ने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जर्मन कैदी माइंस से मरे या भूख से। फिर उसने लड़के को डांट कर वापस भेज दिया। अगर रात को हेलमेट नाम का एक लड़का अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाया और वो खाना ढूंढने के लिए लकड़ी के फट्टे हटाकर घर से भाग निकला। फिर अगली सुबह अर्नेस्ट को बुखार हो गया और उसे चक्कर भी आ रहे थे, पर इसके बावजूद भी कार्ल ने उन्हें एक पल के लिए भी आराम करने की इजाजत नहीं दी और उन्हें उसी वक्त काम पर लग जाने को कहा। इधर विलियम नाम का एक लड़का भी बीमार हो गया और उसने उल्टी कर दी। तब स्कूमन उसे देखने जा ही रहा था कि अचानक वहां जबरदस्त धमाका हो गया जिसमें विलियम की दोनों बाजुएं उड़ गई। वो बेचारा दर्द के मारे तड़पते हुए कह रहा था कि वो अपने घर वापस जाना चाहता है। तब अर्नेस्ट चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगाने लगा, मगर पास के खेत वाली औरत ने भी चुपचाप अपना दरवाजा बंद कर लिया। इधर कार्ल भी बच्चों की पुकार सुनने के बावजूद अंदर ही बैठा रहा, लेकिन विलियम की चीख पुकार इतनी दर्दनाक थी कि कार्ल जैसा पत्थर दिल आदमी भी खुद को रोक नहीं सका और उसने बाहर जाकर विलियम को एक इंजेक्शन दे दिया। तब उसे एहसास हुआ कि ये कैदी सिर्फ नाजी फौजी नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी हैं। इसके बाद वो खुद विलियम को उठाकर हॉस्पिटल ले गया। वहीं बाकी बच्चे भी बीमार होकर उल्टियां करने लगे थे। जब कार्ल को इसका पता चला तो उसने सबसे पूछताछ की। तब हेलमेट ने खुलासा किया कि वो कल रात अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाया और पास के खेत से कुछ दाने चुरा कर उसने अपने साथियों में बांट दिए। फिर जब कार्ल ने खेत वाली औरत से उन दानों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो तो कीड़े लगने की वजह से खराब हो गए थे। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी क्योंकि उन दानों को खाने से दुश्मन जर्मन फौजी बीमार हो गए थे।
खैर फिर काल ने सभी बच्चों को लगातार समुद्र का पानी पीने को कहा ताकि कीड़े वाले दाने उल्टी के जरिए बाहर आ जाएं। इसके बाद उसने सभी बच्चों को नहलाया और बाद में विलियम को देखने हॉस्पिटल पहुंचा। पर तब उसे पता चला कि हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ समय बाद ही विलियम की मौत हो गई थी। ये सुनकर काल को बहुत पछतावा हुआ क्योंकि उसने बच्चों को भूखा रखा था। फिर शाम को वो मिलिट्री बेस से ब्रेड चुरा कर बच्चों के लिए लाया और ब्रेड दरवाजे पर रख दिए। जैसे ही बच्चों ने खाना देखा तो वो तुरंत उस पर टूट पड़े क्योंकि वो कई दिनों से भूखे थे। बाद में जब काल बच्चों से मिला तो उनका मन रखने के लिए उसने कह दिया कि विलियम की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है। ये सुनकर सभी बच्चे बेहद खुश हुए, लेकिन अब विलियम के ना होने की वजह से हर बच्चे को एक घंटे में 8 माइंस बंद करनी होंगी। फिर भी बच्चे खुशी खुशी काम करने में जुट गए और यहाँ से घर लौटने का प्लान बनाने लगे। इन बच्चों को किसी से कोई शिकायत या गुस्सा नहीं था क्योंकि वो जानते थे कि वो बाकी जर्मन फौजियों की हुई गलतियों की भरपाई कर रहे हैं। फिर रात को अचानक कुछ डेनमार्क के फौजियों ने शराब पीकर बच्चों पर हमला कर दिया और वो बेचारे डर के मारे कुछ नहीं कर सके। जब कुछ लड़कों ने जवाब देने की कोशिश की तो फौजियों ने उन पर बंदूकें तान दी। वो गोली चलाने ही वाले थे कि ऐन वक्त पर काल ने वहां आकर कहा कि अगर ये बच्चे मारे गए तो उन्हें अपने आदमियों से माइंस बंद करवानी होंगी। ये सुनकर फौजियों ने बच्चों को छोड़ तो दिया, पर जाने से पहले ल्यूटिनेंट ने काल से कहा कि वो युद्ध के दौरान जर्मन फौजियों के अत्याचारों को भूले ना। तब काल ने कहा कि ये बच्चे तो जानते भी नहीं कि उस वक्त क्या हुआ था। खैर फिर अगले दिन स्कूमन ने एक डबल माइन निकाली। असल में इस माइन को ढूंढने वालों के लिए ही बिछाया गया था। तब स्कूमन ने चिल्लाकर सबको इस तरह की माइन से सावधान रहने को कहा, पर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। इधर वर्नर एक माइन डिफ्यूज करने के बाद बेहद खुश था कि अचानक डबल माइन में भयानक धमाका हो गया। जैसे ही अर्नेस्ट ने ये देखा तो वो रोते हुए अपने भाई की तरफ दौड़ा, पर उसके भाई के तो चीथड़े उड़ चुके थे। जल्द ही काल वहां आया, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर सकता था। अपने भाई की मौत से अर्नेस्ट को बहुत गहरा सदमा लगा और वो बेचारा बार बार कह रहा था कि उसे वापस जाकर अपने भाई को ढूंढना है। तब काल ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया और चुपचाप उसके पास बैठ गया। तब उसे एहसास हुआ कि ये कोई नाज़ी फौजी नहीं बल्कि एक हताश बच्चा है जिस बेचारे ने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरते हुए देखा है। खैर बाद में काल ने शकुमन को बुलाकर विलियम की मौत के बारे में बताया। शकुमन ने कहा कि वो ये बात पहले से जानता है। उसने कहा कि सभी लड़के बस जल्द से जल्द सभी माइंस निकाल कर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब काल ने कुछ ऐसा कहा जो उसने आज तक नहीं कहा था। उसने कहा कि फिक्र मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। उस रात काल ने दरवाजा बंद नहीं किया और खुद मिलिट्री बेस से बच्चों के लिए ब्रेड लेने चला गया। फिर अगले दिन बच्चे बेहद खुश थे क्योंकि काल ने उन्हें आराम करने की इजाजत दी थी और फिर उन्होंने मिलकर बीच पर फुटबॉल खेला। अब चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही थी कि अचानक पास ही में धमाका हुआ जिससे सब बदल गया। इस धमाके में काल के कुत्ते की मौत हो गई थी जबकि वो उस इलाके में घूम रहा था जहां से सभी माइंस निकाल दी गई थी। इस चीज से काल को लगा कि बच्चे उसे धोखा दे रहे हैं। पहले नाज़ियों ने उसके पूरे परिवार को मार डाला और अब उनकी वजह से उसका कुत्ता भी मर गया। इस घटना के बाद काल के मन में नफरत एक बार फिर से उठ खड़ी हुई और वो दोबारा से क्रूर और अत्याचारी बन गया। जो लड़का माइंस हटाए हुए इलाके की जांच करता था उसने काल को बताया कि सच में उस इलाके से सारी माइंस निकाल दी गई थी, पर काल ने उसकी एक ना सुनी और उसे कुत्ता बनने की सजा दी। फिर उसने बॉल फेंकी और उसे कुत्ता बनकर ही बॉल लाने को कहा और जबरदस्ती कुत्ते की तरह भौंकने का हुक्म दिया। अब काल ने एक बार फिर से उस इलाके की जांच करने को कहा, पर एक लड़के ने इसका विरोध किया। तब काल ने गुस्से में आकर उसे कई बार थप्पड़ मारे। इसके बाद सभी बच्चे बाहों में बाहें डाले अपनी जान जोखिम में डालकर उस इलाके पर चलने लगे ताकि बची हुई माइंस का पता चल सके। बाद में जिस लड़के को काल ने थप्पड़ मारे थे वो तंग आकर वहां से भाग निकला, लेकिन स्कूमन ने कहा कि सारी माइंस डिफ्यूज करने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाएगा। फिर अगले दिन वो खेत वाली औरत अचानक दौड़ते हुए बच्चों के घर में आई और रोते हुए उनसे मदद की गुहार लगाने लगी। लड़के तुरंत उसके साथ भागकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उसकी बेटी खेलते खेलते माइंस के इलाके में चली गई थी। तब स्कूमन तुरंत जमीन पर लेटकर माइंस खोजने लगा। इधर जब काल वापस आया तो उसने देखा कि घर एकदम खाली था। उसने सोचा कि सभी बच्चे भाग गए, पर जब वो बीच पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो सब मिलकर छोटी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक अर्नेस्ट माइंस के इलाके पर सीधा चलते हुए बच्ची के पास गया। फिर अर्नेस्ट ने बच्ची को उठाकर स्कूमन को पकड़ा दिया और खुद वहीं सुन्न होकर खड़ा हो गया।
सबने उसे वापस बुलाया पर वो मुस्कुराकर माइनफील्ड की ओर बढ़ गया। अचानक धमाका हुआ जिसमें उसकी जान चली गई और आखिरकार वो अपने भाई के पास पहुंच ही गया। ये देखकर तो सुकुमन जैसा मजबूत लड़का भी अंदर से टूट गया। फिर काल ने उसके पास जाकर कहा कि वो जल्द ही अपने घर लौटेंगे। बाद में काल समुद्र की ओर देखते हुए उन सभी मासूम बच्चों के बारे में सोचने लगा जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। खैर जल्द ही 3 महीने पूरे हुए और माइंस निकालने का काम अब पूरा हो चुका था। अब बाकी 6 बच्चे अपने घर जाने को तैयार थे। वो सब माइंस को एक ट्रक में चढ़ाते हुए खुशी खुशी अपने भविष्य की बातें कर रहे थे कि अचानक वहाँ जोरदार धमाका हुआ जिसने आसमान को काले धुएं के बादलों से भर दिया। काल और उसके साथ ही दौड़कर वहाँ पहुँचे पर 2 लड़कों की मौत हो चुकी थी। आखिरकार बाकी बचे 4 लड़के ट्रक में चढ़े लेकिन उनके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। इसके बाद उन्हें घर भेजने की बजाय एक और माइनफील्ड में भेज दिया गया जहाँ 72,000 माइंस बिछी हुई थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि घर लौटने के सारे वादे झूठे थे। जब काल को इसकी खबर मिली तो उसे भी धक्का लगा। उसने अपने सीनियर्स से बात करके बच्चों को घर वापस भेजने की पूरी कोशिश की मगर अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बाद में नए इलाके के लीडर को एक लेटर मिला तो उसने उन्हीं 4 बच्चों को बाहर बुलाकर एक ट्रक में भेज दिया। वो नहीं जानते थे कि अब उन्हें कहां भेजा जाएगा पर अचानक काल ने ट्रक का कपड़ा उठाया और बच्चों ने देखा कि वो बॉर्डर पर थे। आखिरकार बच्चों को सरहद पर छोड़कर उसने उन्हें घर पहुंचाने का वादा पूरा किया। असल में काल ने ही एक नकली ऑर्डर भेजा था जिस वजह से उन 4 को रिहा कर दिया गया। एक फौजी होने के नाते शायद उसने गलत किया लेकिन इंसानियत के नाते काल की अच्छाई ने युद्ध की कड़वाहट को मिटाने का काम किया। तो कमेंट्स में इंडिया पाकिस्तान मत किया करो, सब एक ही थे, हम सरकारें लड़वाती हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।